बताइए। ये आज 5 नवंबर को विश्व दिवस मनाया जा रहा है प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स की प्रोफेशन का। ये पहली बार ये दिवस जो है आयोजित किया गया है, जिसके लिए हमने एक जागरूकता रैली हमने ऑर्गेनाइज किया है, जिसको हमने कनॉट प्लेस इनर सर्कल से और यहाँ हमारे संस्थान तक ये रैली जो स्टार्ट किया है, जिसमें करीब 400 लोग भाग लिए हैं और स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टीज हैं और प्रैक्टिशनर्स हैं, क्लिनिशियंस हैं, अलग अलग तरीके के जो भी लोग काम करते हैं, सब ने भाग लिया है। जिसके वहाँ से यहाँ तक आते टाइम जो है हमारे स्टूडेंट्स ने हाथ में प्ले कार्ड लेके डिसेबिलिटी के बारे में और काफ़ी जानकारी दी गई है, जिससे पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस मिला। और हमारा रैली में साथ साथ जिनको हमने आर्टिफिशियल लिम्स लगाया है, कृत्रिम अंग जो लगाया है, वो लोग भी हमारे साथ चले हैं और उन्होंने भी जो है लोगों के सामने अपना आर्टिफिशियल लिम्स पहन के चलने से उनकी जो शक्ति है वो लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह चल सकते हैं, वो जो है सोसाइटी में बहुत अच्छा एक मैसेज हमने दिया। सर, यहाँ पे किस किसी का कोर्स अपने स्टूडेंट्स को कराया जाता है, MDA और ये जो भी है, थोड़ा इसमें डिटेल बताएंगे? यहाँ पे 3 डिसिप्लिन में कोर्सेज चलाया जाता है, एक तो बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी। इसके अलावा मास्टर्स लेवल पे मास्टर्स इन प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिक्स में ये कोर्स चलाया जाता है। ये सारे जो कोर्स हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अफिलिएटेड है और जो प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिक्स का जो कोर्स है ये जो है उसका जो सिलेबस है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अग्रीड है। कौन लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकता है, किस तरीके से प्रोसेस क्या है? जो बच्चा 12वीं पास करता है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उस स्ट्रीम में जो बच्चा 12वीं किया है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। लेकिन एडमिशन लेने से पहले उनको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भाग लेना होगा, एग्जामिनेशन के जो मेरिट के ऊपर उनका एडमिशन होगा। सर, यहाँ पे किस तरह के पेशेंट आते हैं और आप इतने साल से कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ का लैंडमार्क जैसे बाल भवन का के सामने है तो ये थोड़ा डिटेल बताएं। ये जो इंस्टीट्यूट है ये स्पेशली लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोलते हैं उन्हीं लोगों के लिए, तो जो शारीरिक रूप से परेशान है, हाथ पैर कट जाता है या चोट लग जाता है या बीमारियों से हाथ पैर कमज़ोर हो जाता है, उन लोगों के लिए यहाँ पे इलाज होती है। और किसी भी एज ग्रुप हो या छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग कोई भी हो, उन सबका इलाज यहाँ पे। आपके पास कैसे पहुँचे विकलांग और जानकारी उसको किस तरीके से? ज़्यादातर विकलांग को जानकारी यहाँ पे अपने आप मिल जाती है, नहीं तो हमारे जो बगल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उस हॉस्पिटल से भी मिलता है उनको। और जो यहाँ पे विकलांग आते हैं वो जाके अपने इलाका में जो लोगों को बताते हैं कि ऐसे पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये सेवाएँ उपलब्ध हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास पेशेंट। सर, आजकल लेडीज में बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे 42 ईयर के बाद उनके जो पैर हैं बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, कि एड़ी एड़ी वाली चप्पल छोड़ देती हैं, तो इस यहाँ भी किस तरह का उनका इलाज किया जाता है? और जिसको बोलते हैं आपने जो बताया उसका जिसको बोलते हैं फ्लैट फुट बोलते हैं, जिनका जो हाथ खत्म हो जाती है, एक तो दो कारण होती है, एक तो खाने पीने का जो प्रॉपर तरीके जो नहीं होते जिससे उनका कमज़ोरी जल्दी आता है, जिसकी वजह से उनका फ्लैट फुट होती है। दूसरा जो कारण होती है उनका किसी का वजन ज़्यादा जब होती है, तो जब वजन ज़्यादा होगा तो ये फ्लैट फुट का वो लोग जो है शिकार बन जाते हैं।